जालौन से खबर है, जहां पर अंतर जनपदीय गिरोह के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों को गोली लगी है और लूटे हुए आभूषण 23,412 रुपए नकद, अवैध असलहा, जिंदा व खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। सर, थाना कोठाओं में पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला? जी, 18 फरवरी सन 2024 को कोठाओं थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कोठाओं पुलिस द्वारा और SOG द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुराग राशि व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुराग राशि पतारसी के दौरान थाना कोठाओं के जालौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी, तो दो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है तो उसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों बदमाश उसी पूर्व की घटना में शामिल रहे हैं जो 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इन दोनों बदमाशों ने अपना नाम क्रमशः रिजवान उर्फ लूला, पुत्र अशरफ, उम्र लगभग 40 वर्ष, अकबरपुर थाना आयाना जनपद औरैया बताया। यह व्यक्ति पूर्व में सलीम गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। औरैया में इसकी हिस्ट्री सीट भी है। ये 25,000 का इनामी बदमाश है और इसके ऊपर 24 पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पंकज उर्फ रंगोली बताया। ये जनपद इटावा का रहने वाला है। इटावा में इसके खिलाफ HS खोली गई है और 28 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। बारामदगी इनके साथ में जो लूट का आभूषण था वो प्राप्त हुआ है। 23,412 रुपये नकद प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। एक चोरी की मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है। इसके अलावा इनके पास से दो अवैध असलहा व कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। ठीक है सर। जालौन से अमित गौर की रिपोर्ट।